स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो वर्किंग है डेटाबेस सिस्टम में वो SQL पर हो रही है, ठीक है। SQL क्वेरीज पर और SQL के लिए हमें जो प्लेटफॉर्म चाहिए उस पर। तो जो मेरा लास्ट ट्यूटोरियल था, लास्ट वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आपको MySQL की इंस्टॉलेशन, उसके इंस्टॉलेशन के लिए जो जो से स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं वो सारे इन डिटेल मैंने आपको सेंड किए थे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि जैसे ही हमारे पास MySQL स्टार्ट हो जाता है, हमने MySQL की कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है। कनेक्टिविटी के लिए कौन से फेजेस, कौन से स्टेप्स हमने परफॉर्म करने हैं वो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वन आपने क्या करना है कि आपने सर्च बार में जाना है और यहाँ पर लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ से आप इसको ओपन कर लें। अब यहाँ पर आपने जहाँ आपकी जो आपने MySQL की इंस्टॉलेशन की है उस इंस्टॉलेशन की लोकेशन का एड्रेस आपने यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है बेटा। ध्यान से आपने सुनना है कि यहाँ पर जो हमने MySQL अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, ठीक है, उसकी लोकेशन सी है, डी है, उसका जो प्रॉपर पाथ है वो हमने यहाँ पर जो एड्रेस है वो यहाँ पर हमने जो है वो लिखना है या कॉपी पेस्ट करना है। वो एड्रेस हमारे पास किस तरह से आएगा मैं आपको उसके स्टेप्स बता देती हूँ। आप फोल्डर ओपन करेंगे, लाइक मेरा MySQL जो है वो सी ड्राइव में है तो मैं सी ड्राइव ओपन करूँगी एंड देन मैं प्रोग्राम फाइल्स में जाऊँगी। प्रोग्राम फाइल में अब यहाँ पर ओवरऑल आपके सिस्टम के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर जो है वो सी ड्राइव में अवेलेबल होंगे। मेरा काम MySQL से है तो देखिए मैंने MySQL पर डबल क्लिक किया और मेरे पास फर्दर MySQL की जो फाइल्स हैं जो कि जैसे मैंने सिस्टम इंस्टॉल किया है MySQL का तो उसमें जितनी भी चीज़ें मेरे पास आई हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। मेरा कंसर्न जो है वो MySQL सर्वर से है। मैं MySQL सर्वर को ओपन करूँगी एंड देन मैंने बिन फोल्डर को ओपन कर लिया। यहाँ तक मैंने अपना प्रॉपर जो है प्रोग्राम जो मेरे पास MySQL है उसको मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं इसका एड्रेस जो है उसको कॉपी कर लूँगी, ठीक है। आपका एड्रेस जहाँ पर भी अवेलेबल होगा आपने वहाँ से इसको कॉपी करना है एंड देन आप वापस अपनी कमांड प्रॉम्प्ट वाली विंडो पे आएंगे। जैसे कि हमने एड्रेस कॉपी कर लिया है यहाँ से बिन फोल्डर का लाइक दिस, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगी एंड अगेन मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगी और यहाँ पर मैं टाइप करूँगी cd स्पेस डबल कोटेशन में मैं उस लाइन को पेस्ट कर दूँगी और मैं एंटर कर दूँगी, ठीक है। अब मेरा प्रॉपर पाथ जो है वो चला गया है। अब यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम आपका जो एड्रेस है MySQL का वो इंसर्ट करेंगे दैन नेक्स्ट वन आपके पास जो है वो सर्वर का रूट नेम और लोकल होस्ट के बारे में पूछा जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर आप लिखेंगे MySQL रूट एंड पी एंड देन आप एंटर जो है वो प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास पासवर्ड की ऑप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने वो पासवर्ड एंटर करना है जो आपने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऐड किया था एंड देन लास्ट जब आपने वेरीफाई किया था तो अगेन वही पासवर्ड आपने यूज़ किया था, सेम वही पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो देखिए जी MySQL जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है और मैं MySQL को ईज़िली यूज़ कर सकती हूँ, अपनी क्वेरीज को रन कर सकती हूँ। अब फर्स्ट वन मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ऑलरेडी मेरे पास कौन सी डेटाबेस बनी हुई है, तो मैं लिखूँगी शो डेटाबेसेस एंड देन सेमी कॉलन और यहाँ पर देखें कि मेरे पास ऑलरेडी जो डेटाबेसेस बनी हुई हैं वो आ गए, लाइक इंफॉर्मेशन सिस्टम, MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा एंड वॉट एवर, ठीक है। ये सारी डेटाबेस मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। अब देखें कि मैं यहाँ पर टेबल क्रिएट करती हूँ, लाइक क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है।
create table student bracket, and then id int name worker 20, and that's it. मैं इतना सा अपना प्रोग्राम बनाती हूँ. तो देखिए मेरे पास जो है वो एरर अकर हो गया. ठीक है, अब एरर अकर क्या है कि मैंने कोई भी डेटाबेस जो है वो सिलेक्ट नहीं की, मैंने डायरेक्ट ही जो है वो टेबल क्रिएट कर दी है. ठीक है, यहाँ पर मुझे पहले क्या करना है कि जो ऑलरेडी बनी हुई है डेटाबेस उनको भी मैं यूज़ कर सकती हूँ. यहाँ मेरा फर्स्ट वन यहाँ पर काम क्या है कि मैंने डेटाबेस को क्रिएट करना है. ठीक है, डेटाबेस जैसे ही मेरी क्रिएट हो जाएगी देन मैं अपनी डेटाबेस में नंबर ऑफ रिलेशंस जो हैं वो क्रिएट कर सकती हूँ. तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि मैं डेटाबेस को क्रिएट करती हूँ, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं कॉलेज के नेम से मैंने डेटाबेस क्रिएट की, एंड देन पुट सेमी कॉलन एंटर. जी नेक्स्ट डे के साथ ही मेरा जो है वो आंसर आ गया है क्यूरी ओके. अब मैं जस्ट क्यूरी से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मुझे रिलेशन सॉरी डेटाबेस जो है वो फॉर्म टेबल्स की फॉर्म में जो है वो शो हो कि एग्जैक्टली मेरी डेटाबेस क्रिएट हुई है या नहीं हुई. तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी यूज़ नेक्स्ट डेटाबेस का नेम. मेरी डेटाबेस का नेम क्या है, कॉलेज, एंड देन पुट सेमी कॉलन. देखें डेटाबेस चेंज. ठीक है, इसका मतलब ये है यूज़ जो है वो मैंने कहा है यूज़ कॉलेज का मतलब मेरी इस डेटाबेस को यूज़ करो. तो वहाँ पर फ़ौरन से आ गया है कि आपकी डेटाबेस जो है वो चेंज हो गई है. अब मैं यहाँ पर शो डेटाबेस करती हूँ, शो डेटाबेसेस सेमी कॉलन, एंड देखें यहाँ पर मेरा कॉलेज डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया. ठीक है, ये सिंपल वे है आपकी डेटाबेस को क्रिएट करने का. एंड यूज़ डेटाबेस नेम, ये जो स्पेसिफिकली है ये इसलिए है कि अब आप डेटाबेस में जो आपने कॉलेज के नेम से डेटाबेस क्रिएट की है अब आप उसमें वर्क कर सकते हैं. ठीक है, अब आपको मैंने दिखाया जो डेटाबेस कि जो मेरी डेटाबेस कॉलेज के नेम से थी वो बन चुकी है. इसी तरह मैंने यूज़र लॉगिन ये वाली डेटाबेस भी मैंने ही क्रिएट की थी, दैट्स व्हाई ये वाली डेटाबेस भी ऑलरेडी बनी हुई है. अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि क्या मेरी जो डेटाबेस कॉलेज है उसमें ऑलरेडी कोई टेबल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी शो टेबल्स सेमी कॉलन एंड एंटर. अब देखें जी शो एम्प्टी सेट. ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या आया है आउटपुट में, एम्प्टी सेट. ऑब्वियसली अभी तो मैंने जस्ट डेटाबेस को क्रिएट किया है, इसमें मैंने कोई भी रिलेशन कोई भी डेटा जो है वो इंसर्ट नहीं किया हुआ, दैट्स वाई अभी मेरी डेटाबेस जो है वो एम्प्टी सेट है, यानी कि एम्प्टी है, उसमें कोई भी टपल्स और रिलेशन नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक टेबल क्रिएट करती हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट एंटर ब्रैकेट अगेन एंटर आई डी एंड नेम वर्कर एंड साइज इज 20 पुट कॉलन एड्रेस वर्कर 30 पुट कॉलन ईमेल वर्कर 30 एंड सैलरी दैट्स इट. मैं बस इंट नेम एड्रेस ईमेल एंड सैलरी के जो कॉलम्स हैं वो अपने टेबल्स में क्रिएट करना चाह रही हूँ. जैसे कि आपको पता है कि जो लास्ट वन हमारे पास एट्रीब्यूट होता है उसके लास्ट में हम कॉलन पुट नहीं करते, ब्रैकेट क्लोज एंड लास्ट पर मैं सेमी कॉलन इंसर्ट करूँगी एंड इसको
क्यूरी ओके इसका मतलब ये है कि मेरी डेटाबेस में ये जो टेबल है क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब अगर मैं करती हूँ शो टेबल्स, क्या मुझे टेबल शो होगा? जी, स्टूडेंट टेबल जो मेरे पास कॉलेज की डेटाबेस में बना है वो मेरे पास टेबल जो है वो शो हो गया। ठीक है, यहाँ तक बेटा आपने खुद से इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, डेटाबेस को क्रिएट करना है, उसको शो करना है एंड डेटाबेस की जो चेंजिंग है कि आप जिस डेटाबेस में काम करना चाह रहे हैं उसको आपने किस तरह से यूज़ करना है, देन आपने टेबल को किस तरह से इंसर्ट करना है एंड आफ्टर योर क्रिएशन टेबल आपने किस तरह से देखना है कि आपकी डेटाबेस में टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है या नहीं हो गया। बेटे अब तक के लिए इतना ही। फर्दर जो क्यूरीज हैं हमारी, अपडेट, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, सारी जो है वो वन बाय वन मैं आपको करवाऊंगी। यहाँ तक जितना मैंने आपको काम करवाया है आपने कोशिश करनी है कि इसको खुद से इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट क्यूरीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।